रात को 1:30 बजे तो लोग लाइव जाते हैं, असली मजा तो रात को 1:30 बजे आता है। क्या बोलती है पब्लिक? इज अ फिल्टर ऑन? व्हाट डू यू थिंक द फिल्टर इज नॉट ऑन? हां फिल्टर ही तो लगाना है मेन यार, फिल्टर की वजह से तो हम लाइव आए हैं। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा बहुत ज्यादा। एक मिनट रुको, ये ठीक है? हाँ दिस इज कूल। नितिन भैया जय माता दी, जय माता दी, जय माता। अब आगे की नहीं, दुबई से वापस आ जाओ। अब ये वाला कौन सा बंदर? बंदर ये वाला, ये तो है। अरे नहीं यार क्या कर रही हो दिशा? अरे कुछ नहीं। ओके गाइस, पता है हम सबकी जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो हमें वो कौन सी लाइट बोलते हैं, रिंग लाइट बोलते हैं। सो एक रिंग लाइट का टाइम हम सबकी लाइफ में आता है, तो मेरी लाइफ में आज आया है। तो हमने एक रिंग लाइट पे लाइव जाने का फैसला किया है। एंड दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ तो कह दो। व्हाट्स अप गाइस, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग जगे क्यों हैं, सो क्यों नहीं रहे? यही हमसे भी पूछ सकते हैं कि हम क्यों जगे हैं। हम तो वी आर डिस्कवरिंग दिस रिंग लाइट, व्हाई आर दे अवे? या क्योंकि हमसे एक्चुअली पता है यूजुअली लोग प्लान करके आते हैं कि लाइव जाएंगे। हम अचानक ना ऐसे ही लाइव आ गए एंड दिस एक्चुअली नींद नहीं आ रही है यार। वेदिका सो जा। उसको नहीं आ रही है। क्यों, किसने चुराई है तुम्हारी नींद वेदिका? राहुल मूवी में देखा के क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा चलो, शुड वी टेक सम पीपल लाइव? I always find it very scary. इसमें क्या है यार? दिशा बिग बॉस, ओके किसकी यादों में? अरे भाई कुछ बिग बॉस देख रहा हूँ, दिशुल का एपिसोड फॉर द 50th टाइम। हाउ स्वीट पार्थ, थैंक यू यार। मुझे भी बताओ ये कौन सा नंबर है, वो जो एपिसोड वाला, वो एपिसोड कौन से नंबर का है मुझे बता दो। नींद नहीं आ रही है क्या आपको? नहीं। अच्छा गाइस बाय द वे, हमने हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा काम अभी किया है, आप लोगों ने भी ये करना चाहिए। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग रियलाइज करोगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ये काम करना। हमने ना जो आपके बेड के साइड में ड्रॉअर्स होते हैं ना, कभी आपने सोचा है कि कितना गंद उसमें होता है? तो इतनी ज्यादा, हाँ इतनी ज्यादा गंद उसमें भरी हुई थी, इतनी सारी दवाइयां उसमें भरी हुई थी, सब एक्सपायर्ड दवाइयां थी। तो दिशा बैठ के उसने सब सॉर्ट किया है एंड इतनी दवाई हमने फेंकी। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, आई वुड शो यू मैंने कितनी दवाई फेंकी। हाँ डस्टबिन दिखाऊंगा, दिखानी चाहिए डस्टबिन। बहुत मजा आया, बट मुझे तो मेरा ओसीडी बहुत खुश हुआ। Can you see guys? ये डस्टबिन भर चुकी है, ये देखो भर चुका है थोड़ा बहुत। ये देखो भाई इतना कचरा भाई, पूरा फुल साइज डस्टबिन है, तो ये भर गया है। कैसे हो? हाँ एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू धनश्री, लव फ्रॉम कराची। राघव तुम कराची कब गए? नहीं बड़ी कोई और राघव शर्मा होगा, वो राघव ही होगा। 14611 वही है। हाँ तो ये लव फ्रॉम कराची क्यों बोल रहे है भाई? क्या कराची चला गया तू? कल तो गोवा में था। कल तो गोवा में घूम रहा होगा पता नहीं। सो गाइज कैसे हो आप सब लोग? लेट्स डू सम चिट चैटिंग, आई मीन चिट चैटिंग। कैसे हो आप सब लोग? सॉरी हम थोड़े से बहुत वेरी बैड यार, थोड़ा सा फनी होना चाहिए। ये राघव शर्मा, अच्छा ये वही है। चलो इसको ही लेते हैं। राघव हमको रिक्वेस्ट भेजो अभी के अभी। राघव अभी रिक्वेस्ट भेज अभी, तो हम तुम्हें भेज रहे हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेरी विथ माई गर्लफ्रेंड विनीत। गर्लफ्रेंड विनीत है? नहीं उसका नाम विनीत होगा। नहीं उसने देखो ना बोला है आई वॉन्ट टू मेरी विथ माई गर्लफ्रेंड विनीत। भाई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है विनीत?
न्यू रिक्वेस्ट राघव, तुमने भेजा है कि नहीं? भेजा है राघव, देखो देखो देखो, अरे नहीं कोई हो अरे ऐसे नहीं देखा, एक मिनट रुको, रिक्वेस्ट यहाँ होते हैं, अरे मुझे लगा मैं टेक्निकली चैलेंज लू, तुम तो मेरे से ज्यादा टेक्निकली चैलेंज लो, ये देख रहा है शर्मा रहा होगा, एक्चुअली ना किसी के साथ बैठा होगा अभी, देख आपको दिखाना चाहता हूँ कि मदानिया की आपने जितनी भी रील्स देखी है ना, देखो डिक्लाइन, कंफर्म बैठा होगा किसी के साथ, कंफर्म। अच्छा राघव फोटो भेज मुझे, किसके साथ बैठा हुआ है अभी बता, हु इज द ब्यूटीफुल गर्ल, आई थिंक आई नो हु द गर्ल इज, आई हैव, आई एम इनसाइड माय बेड, हां बट विद हुम इज व्हाट आई वांट टू नो। राहुल बिरयानी वाला डायलॉग प्लीज, हाँ मुझे भी सुन ले। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग ये जेन्युइनली याद रखें कि जो लोग आपको दाल चावल समझते हैं ना, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, जो लोग आपको दाल चावल समझते हैं उन लोगों को आपने बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देनी चाहिए। वाह 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 वाह, ये ऑन द स्पॉट आया था कि मतलब याद करके? हाँ मुझे हुआ क्या था वो बिग बॉस के एक एपिसोड में ना, सब जर्नलिस्ट टूट पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि मैं पता है मैंने क्या गुनाह कर दिया है, सब मशीन गन, आप लोगों ने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो उसमें ऐसा था कि पता नहीं लोग लग रहे, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही कंटेस्टेंट हूँ, मुझे ही सवाल पूछे जा रहे थे, एंड तो आई गॉट इरिटेटेड एंड मुझे ऐसा लगा कि यार हेलो, मतलब आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं ये कर रहा, आप बाकी लोगों का भी देखो, मतलब वो थोड़ी मेरे लिए फूल बरसा रहे हैं मेरे ऊपर कि राहुल दिस इज अ फ्लावर फॉर यू, दिस इज अ रोज फॉर यू, तो इसलिए मेरे को लगा कि हमेशा आप लोगों ने भी एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग आप सब लोगों को दाल चावल समझते हैं उनको आप कभी बिरयानी वाली इज्जत बिल्कुल मत दो। ठीक है, अब हम किसी को लाइव लेना चाहेंगे, सब डरपोक लोग हैं जो मतलब हमारे दोस्त हैं वो सब डरपोक हैं, कोई आएंगे नहीं, सो हम आप लोगों से ही बात करते हैं यार। चलो व्हाट इज अप, थैंक यू वेरी मच रोशनी। हो किसी ने लिखा दिशा अपने घर नहीं जाती क्या? नहीं दिशा घर जाती है, दिशा हाँ, दैट मीडिया वाले बायस्ड लोग थे उस दिन। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, ऑनेस्टली लाइफ में आगे बढ़ो, आप सब लोगों का इतना प्यार मिला है, इतने सारे फैंस मिले हैं, और क्या चाहिए, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। किसी को तो हमको लाइव लेना चाहिए एक्चुअली, शुड वी जस्ट टेक अ गैम्बल, एक मिनट भाई okay. चलो गाइस आई एम गोना टेक अ रिस्क एंड गेट वन ऑफ यू ऑल, किसे लें, रिक्वेस्ट आई उनमें से, ऑलराइट चलो या आप लाइव ने रिक्वेस्ट दी थी या पाकिस्तान का नेम भी ली, बिल्कुल लूंगा यार, आप लोग कैसे हो, ठीक हो, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है फॉर एवरीबॉडी। कोई कह रहा है अच्छी लग रही है आपकी जॉलाइन दिशा, थैंक्स, हां मैं काफी देर से चेक कर रही थी अपनी जॉलाइन, यू ऑब्जर्वड, आई लाइक यू हूएवर यू आर, अरे दे अप्रिशिएट, कितने ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी जॉलाइन के साथ गाइस, आई टेल यू है नहीं ना इसलिए बनानी सो अच्छा ये आई थिंक ये बहुत टाइम ले रही हैं, सो हम किसी और को गिव करते हैं, बुलाते हैं, गाइस कैसे हो यार, किसको बुलाएं बोलो, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो गाइस, अरे क्या हो गया अचानक, आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट एवरीबॉडी, ओके ओके गाइस क्विकली बताओ किसे मैं लूं लाइव पे, हम किसे कनेक्ट करें बताओ जरा, दिशा यू लुक सो प्रिटी इवन विदाउट मेकअप, एंड गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूं, शी गेट्स रेडी इन 10 मिनट्स लाइक फ्लैट 10 मिनट्स, एंड आई थिंक जितनी भी लड़कियों मैंने तैयार होते हुए देखा है घड़ी के हिसाब से, आई थिंक शी इज द क्विकेस्ट, आई टेक माय टाइम आल्सो ऑन डेज, नो गाइस यूजुअली आई गेट रेडी, या शी इज वेरी क्विक। अच्छा गाइस किसी ने मुझे पूछा है कि सच में बोलूं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं, बिग बॉस बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता है गाइस, क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड होता तो हम जो लड़ाइयां करते हैं उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाते, यू नो अगर हमको बोला जाता कि इससे लड़ो उससे लड़ो, सो यू नो हम कनेक्ट नहीं हो पाते, आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, बट हम जो लड़ते हैं रेयर गुस्सा आता है तब लड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट इट इज, नाउ यू कंटिन्यू बाय, अरे रुको ना बात तो करो, ऐसे थोड़ी यू बात करो, दिशा भाव मत खाओ जाना कम है
इतना खाओ मत खाओ यार, अरे यार अच्छा भूख लगी तुमको? दिशा को इस टाइम भी भूख लगती है यार, रात को कितने बजे? 1:30 बजे। ज्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी, दैट्स व्हाट इट इज। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों में किसी भी हिम्मत नहीं है, सेंड इनविटेशंस। बट एक मिनट, इनविटेशन मुझे नहीं भेजने यार, आप लोगों के जो इनविटेशंस आए वो कहाँ दिखते हैं भाई? ये देखो बाजू में बैठ के लाइव देख रही है यार, हद है यार। अरे इधर आके ही देख लो ना फिर तो। देखो इधर से कमेंट भी करिए, दिशा वर्मा, हेलो हेलो दिशा, कैन यू स्टॉप इट एंड प्लीज कम हियर यार। देखो कोई बोलेगा इसको, उधर साइड में बैठ के देख रही है। शुभम फ्रॉम नागपुर, हाय शुभम, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। अली सॉन्ग 2-3 बार पढ़ा मैंने। आप लोग बहुत जल्दी देखोगे। एक्चुअली ये अनप्लान्ड लाइव सेशंस बड़े अच्छे होते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो? गुड गुड। लाइट तो लगाओ। लाइट ऑफ है। ओह रियली? मुझे आप नहीं दिख रहे हो हमको। हाँ यार, एक सॉन्ग सुना दो। हाँ एक सॉन्ग सुना दो। अच्छा यार, हाय रे मेरे डाड़े यार, अब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया है। हाय रे मेरे डाड़े यार, अब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया है। आप कहाँ से हो? पाकिस्तान। कहाँ पाकिस्तान? कराची। कराची, that's very nice. आप, I hope आपके आए हो? मैं कराची एक बार लैंड हुआ था, बट मैं कराची के अंदर नहीं आया हूँ। मैं मेरे शादी अटेंड करने गया था मैं इस्लामाबाद बहुत टाइम पहले, तो जो मेरी फ्लाइट थी वो कराची लैंड हुई थी, बट हम एक्चुअली गए थे इस्लामाबाद। बट बहुत सुंदर जगह, मैं मरी गया था, जो आपका हिल स्टेशन है ना मरी। जी जी, मैं वहाँ पे भी गया था। मेरे सारे फ्रेंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ जी, मेरे सारे फ्रेंड आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। आप इतना छुक छुक के बात क्यों कर रहे हैं? सो रहे हैं, बाकी घर वाले सो रहे होंगे ना, तो इसलिए ऐसे सो रहे हैं। जी जी, सो थैंक यू, आप ख्याल रखें अपना, आपको रमजान मुबारक हो, एंड आप थैंक यू सर, मुबारक इन एडवांस, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। दिशा को ना, दिशा को बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम क्या लगती हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस लगती हो, ऐसे बोलते हैं ना। आई कैन पास ऑफ फॉर अ पाकिस्तानी गर्ल, आपको ऐसा लगता है? जी बहुत लगता है, आप यहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आपको नींद आई है? माशाल्लाह, हाउ स्वीट यार। थैंक यू। जनरली मैं चाहता हूँ की यू नो सब ये जल्दी से खत्म हो जाए, कोविड वोविड, जी दुआ कीजिए, दोनों ही मुल्कों में अच्छा ही रहे, और ऊपर वाले से बात, ठीक है? टेक केयर, बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय जी, टेक केयर, वालेकुम अस्सलाम, बाय, सी यू, थैंक यू। डीजे चेतस भी हैं, चेतस चेतस जल्दी आओ, चेतस एक्चुअली बैठा होगा किसी के साथ, लेट्स सी इफ ही कम्स और नॉट। चेतस 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 चेतस, गाइस यूज इंग्लिश, वी डोंट अंडरस्टैंड। Okay guys, we are just taking random people live, just having Mr. Chetas. What is up? Kya ho raha hai? You bhai? Tell me what is up. I am in Dubai, bro. Oh really? Look at your eyes. I'm in Dubai, bro. He's also put a filter. Better, huh? What filter have you put? Bro, I don't know. Hi, Disha. Hi, Disha. Hi, hi, how are Disha. you? Hi. What's okay up? Guys, एक मिनट, लेट मी टेल यू ब्रो व्हिच फिल्टर इज दिस। यार टच करूंगा तो खत्म, फिल्टर निकल तो नहीं जाएगा? नहीं। ए भाई, यार इसके ऊपर ना भाई वो आइसक्रीम बनी हुई है, मैं आपको भेजता हूँ, बड़ी क्यूट सा फोटो लगी इसके ऊपर। सो गाइस, ऐसे कश्मीरी लग रहे हो आप दोनों, कश्मीरी लग रहे हो, लुकिंग कश्मीरी।
लाल लाल हाँ फुल कट ऐसा लग रहा है श्रीनगर में बैठे हुए हैं बर्फ 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 हाँ. खेल के फेंक के आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अली के साथ अली के साथ अली और जैस्मिन के साथ हाँ वो लोग हाँ उधर हैं या दे आर इन जम्मू एंड यू नो आई एम श्योर दे आर हैविंग अ गुड टाइम कैसे हो भाई आप ठीक हो आपकी मैं एकदम परफेक्टली फाइन रिकवर्ड फ्रॉम कोविड लकीली एंड आई हर्ड इंडिया में तो बहुत खराब है और आप आ जाओ दुबई अब तो बर्ड्स ओपन एक्चुअली बात बोलूं भाई या बोलो भाई आई कुडंट हियर यू प्लान बनाते हैं बहुत जल्दी आने का प्लान बनाते हैं यू नो ब्रो आई वाज जस्ट सेइंग वन थिंग मेरे को एक चीज कहनी है सब लोगों से एंड यू नो कि माना कि कोविड है ठीक है कुछ लोग आजकल मैसेजेस करते हैं कि यार आप अपने गाने की रील्स क्यों रिपोस्ट कर रहे हो गाना क्यों प्रमोट कर रहे हो यू नो कोविड है कोविड के बारे में बात करो सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि कोविड है हम सब जानते हैं हम सबको केयरफुल होना चाहिए बट पता है ये देख के ना रोज टीवी पे जहां टीवी न्यूज देखो ट्विटर देखो अखबार देखो एवरीवेयर इट्स कोविड 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 so I just feel we as entertainers we should try and divert people's mind you know jaise jab bhi kapil sharma ka koi live dekh you know dekhte hain episode to na mood aapka bahut acha ho jata hai you know so I just feel that everybody mujhe samajh mein nahi aa raha jaise main ko article padh raha tha you know some celebs have gone to maldives to unke bare mein log likh rahe the maldives kyu gaye hain you know covid chal raha hai unko you know dukh manana chahiye guys you know we all have sympathy and we all understand the seriousness of this but I just feel we all should take care firstly be at home as much as possible but agar aap ghar pe baith ke gaane ga rahe ho logon ko entertain karne ki koshish kar rahe ho so don't you think ki I think it's we are doing something good theek hai na IPL chal raha hai socho agar IPL nahi chal raha hota ठीक है अब मैं देखता हूँ आएगा लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई इसलिए मैंने मेरे पापा को बोला है पापा ना सुबह काफी बार क्या करते थे टीवी देखते रहते थे सिर्फ कोविड 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 देखते रहते थे सो आई जस्ट टोल्ड माय पापा कि यार थोड़ा अवॉइड करो बिकॉज ना वो देख देख के ना भाई फ्रस्ट्रेट हो रहा है इंसान सो आई जस्ट हैड टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू एंड एज यू ऑल नो दैट चेतस इज द कंपोजर ऑफ मधानिया सो एंड लीजो आल्सो ब्रो Chetas and Lijo, of course, the great duo Lijo and Chetas, उन्होंने ये गाना बनाया है. So, but genuinely, I swear to God, मैंने राहुल को फोन पे भी बोला था कि both of you all did justice to the song. बहुत सबने मतलब वीडियो भी इतना अच्छा बनाया. हर शादी में बजेगा ये मतलब लड़की की एंट्री होने वाली है और एग्जिट भी उससे होगी. It's you know, going well also. भाई, I just hope कि जल्दी से ये शुरू हो जाए शादियाँ and because भाई इतने सारे ना लोग प्यारे प्यारे reels बना रहे हैं so I'm sure कि जब शादियाँ I know right now actually ये गाना अभी लोग इतना इतने reels नहीं बनाएंगे because शादियाँ ही नहीं हो रही है तो ये शादी के पीछे तो यही reel you know people love to put this song तो ये आई थिंक द वंस यू नो एवरीथिंग ओपन्स अप शादियां शुरू हो जाएगी देन ये गाना ऐसा गाना है जो चलते जाएगा यू नो ये ऐसा गाना नहीं है कि जो सीजनल होता है ना ऐसे थोड़े टाइम ये बस चलते जाएगा स्लोली जैसे दिन चकना था वैसे टाइप का गाना है एग्जैक्टली गाइस मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ चेतस ने बहुत अच्छी बात कही है यू नो हर गाने की अपनी एक स्टोरी होती है जो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं ना वो तीन चार महीने दबा के चलते हैं बहुत लोग उसको सुनते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़े से ये हो जाते हैं फेड अवे हो जाते हैं बट ये जो ऐसे गाने होते हैं वो आई थिंक बहुत टाइम तक चलते हैं एंड आई एम सो हैप्पी वी आर ऑल सो हैप्पी दैट यू नो यू गाइस हैव लव्ड द सॉन्ग सो मच एंड गिवन द सॉन्ग सो मच लव आई थिंक ब्रो यू शुड टेक ऑल योर फैंस वो लोग सब बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे नहीं यार मुझे आप देखे तो मैंने आई डोंट नो वो 100% ब्रो बट राघव भी था उसको भी मैंने कोशिश करी लेने की लाइव वो पेड़ के अंदर छुपा हुआ है पता नहीं किसके साथ बट ही इज नॉट कमिंग लाइव सो दैट्स व्हाट इट इज बट टेक केयर ब्रो आप जल्दी आओ वापस आई विल सी यू सून ईदर इन हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ग्रेसफुल वाइफ
एंड इनको बहुत प्यारा सा एक बेबी हुआ है, तो आप सब लोग जाओ एंड चेतस की प्रोफाइल पे जाके बेबी को विश करो, बेबी को ब्लेस करो. थैंक यू सो मच. बाय दिशा, एंड जल्दी से शादी करो आप लोग. अभी हम किसे लें नेक्स्ट लाइव? एक मिनट, तो रिक्वेस्ट आनी चाहिए ना. व्यू रिक्वेस्ट. ऑलराइट, कौन कौन है भाई? ओके गाइस, लास्ट लास्ट वी विल डू वन मोर लाइव एंड देन वी विल स्लीप बिकॉज हमने सोना है. I still feel this light makes us look ugly. You still feel it's ugly? I can't help it. अभी तो तुम बोल रही थी कि अच्छे लग रहे हो, अब बोल रही हो अगली. फिल्टर अच्छा है, but this light is. अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं यार सब. ये रिंग वाला फिल्टर बड़ा कूल होता है, कमाल होता है. कहाँ गया वो लाइट का ऑप्शन? चला गया क्या वो लाइट वाला रूम? What does that mean? पता नहीं यार. ओके, वन लास्ट. कौन है कौन है गाइस? आ जाओ यार, जल्दी आओ. पेशेंस इज वेयरिंग आउट ऑलरेडी. हाय, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच. हेलो 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 हेलो. वेट वेट नहीं, she's hung. ye hung ho chuki hai. hello hello yaar, aapki awaaz nahi aa rahi. hello hello hello, abhi kuch dikhi aur disturbance hai, can't hear you. ये कैसे आ रही आवाज आ रही? ओके, आई डोंट थिंक, आई थिंक अच्छा, इनको हम कैंसिल कैसे करेंगे यार? ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा सीखना है हमको. अच्छा, एक और आपको रिक्वेस्ट भेजो भाई, नेटवर्क इशू. यस आई अंडरस्टैंड थोड़ा. ओ गॉड ब्रो, बड़ी कट कैसे करें? 2G नेट वालों को मत लो. अरे भाई ऐसे आप, हमें थोड़ी पता होता है किसका 2G किसका 3G किसका 4G है. कमाल है यार, लोग होते हैं 2G वालों को मत लो भाई, हमें कैसे पता चलेगा? वो लिख के थोड़ी रखते हैं अपने आईडी पे कि 2G 4G 5G 4G. अरे यार, ओ गॉइज यार, oh god, this is not happening. You request, okay. I just मुझे बहुत डर लगता है लाइफ. अरे ऐसे क्यों भैया, ऐसे क्यों? I don't know what comes up. That's okay, क्या करें, सब इंसान ही है. तो मैंने कब का लिए आएगा? अरे कमाल है, लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर खुद ही डिक्लाइन कर देते हैं. कैसे हो यार आप? Oh God. यार रिक्वेस्ट तो भेजो. I think everyone is in bed right now, so they don't want to come live. हेयरबैंड तो दिखाओ सबको. हेयरबैंड तो दिखा रही है अभी, और कितना दिखाना है? ओह भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ? बहुत बढ़िया. कहाँ से हो आप? दिल्ली. दिल्ली, घर पे कैसे हैं सब? ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया, आप बताओ? बस भाई ठीक है सब. देखो सब घर पे बैठे हुए हैं, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते है ना. आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना था. हाँ जी,
आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, मैंने सुना था। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? समीर। समीर समीर आप जी। क्या अपना अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने घर वालों का, माँ बाप का, सब का ख्याल रखना, ठीक है भाई? बिग बॉस में तुम्हें तुम्हारे तुम्हें देखने के लिए आता था मैं। देखूं क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिग बॉस तुम्हें देखने के लिए देखता था मैं। हाउ स्वीट भाई, यार आप जैसे लोगों की वजह से तो इतना सब कुछ अच्छा होता है। देखो जब कोई इंसान आपको पसंद करता है और बिग बॉस इतनी अच्छा लगता है कि बाकी कुछ लोग होते हैं उसमें आपको आपकी सिंगिंग के लिए, आपकी डांसिंग के लिए, आपकी एक्टिंग के लिए पसंद किया जाता है, बट बिग बॉस होता है उसमें आपको ना एज ए ह्यूमन बींग कोई लाइक करता है तो आपसे कनेक्ट करता है। थैंक यू भाई। और आप कहाँ पर उस टाइम? हाँ जी, आप कहाँ पर उस टाइम, कौन सी सिटी में हो? मैं घर पे हूँ भाई, मुंबई में, मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बाय भाई, ख्याल रखना, ठीक है, बाय, ठीक। ओके गाइस, इट वाज लवली टू टॉक टू यू ऑल, एंड आई जस्ट कि आप अपना ख्याल रखो। आई वुड हैव लव्ड टू टेक वन ऑफ माय फैन पेजेस ऑन यू नो ऑन दिस लाइव, बट किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों भड़क रहे हो भाई, क्यों, क्या हो गया? कब से मैसेज कर रही हूँ, करी हूँ, सॉरी यार, बट यू नो इट वाज जस्ट अ लाइव, बिल्कुल ये प्लान नहीं था, एंड बिल्कुल भी ये प्लान नहीं था। एक मिनट, क्या हो गया यार, एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा दिशा, दिशा ना, दिशा में, दिशा मुझे बोलती पेशेंस मुझे कम है, बट हाँ पेशेंस मेरे में कम है, बट शी गेट्स ट्राइड वेरी वेरी सून। ऑलराइट, दिस इज जैसे हमेशा मैं कह रहा था लास्ट 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 आवर, बट दिस इज जेन्युइनली लास्ट। अरे भाई लिपस्टिक नहीं लगाई है, मेरे लिप्स पिंक हैं। हाय हाउ आर यू? हाय राहुल, हाय दिशा, हाय मैम, हाय सर, हाय। मैं कब से वेट कर रही थी कि आप एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट। पूजा नाम है और ये मेरा छोटा भाई है, इसका कृष्णा नाम है। हेलो, पापा का नाम भी कृष्णा है, तो कृष्णा जी कैसे हैं आप? कहाँ से हो आप लोग? बहुत बढ़िया हूँ सर। आप दोनों बहुत लगते हो, बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। हम एमपी से हैं, एमपी रतलाम से। अच्छा वो जब मेट में था ना, हाँ रतलाम, आई नो आई नो आई नो। और आपका सॉन्ग मदानिया भी बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे। जी हाँ, यू आर राइट, बहुत बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, एंड मैं भी बहुत खुश हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर बहुत खुश हूँ कि जो भी काम आए वो अच्छा काम आए, एंड ऐसा काम करो कि जिसको आपको ना जेन्युइनली दिल से खुशी हो जो करके। बट थैंक यू सो मच। बाकी आप ठीक हो, आपके घर पे सब ठीक हैं? एमपी में भी मैंने सुना है कि थोड़ी बहुत बिल्कुल ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, एंड अब आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, एंड बाकी सब लोग जितने देख रहे हैं लोग वो भी सो जाएं। एंड कृष्णा, कृष्णा कुछ बताओ अपने बारे में यार। छोटू कितने साल के हो? गोलू 13 इयर्स के हो, वाओ, इतने छोटे हो यार, ये फोन की वजह से। कौन सा फोन है ये? कौन सा फोन है ये आप? रेडमी का, रेडमी, रियलमी, रेडमी, रेडमी, रेडमी। सबको ऐसे, मुझे लगता है कि थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको फोन्स के साथ, क्योंकि लोग अटके हुए हैं आईफोन आईफोन आईफोन। फिल्टर की वजह से छोटा लग रहा है, फिल्टर की वजह से, फिल्टर की वजह से छोटा लग रहा है। फिल्टर लगाया हुआ, ओके ओके, ये कमाल फिल्टर है। धीरे धीरे हम भी ऐसा फिल्टर लगाएंगे जिसमें हम छोटे बड़े लगे, ठीक है? चलो यार, यू सो स्वीट, आप दोनों बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय दिशा, बाय, गुड नाइट, जी, सी यू।
गुड नाइट ओके एंड एवरीबॉडी एल्स बाय बाय टेक केयर शुभ रात्रि शुभ खैर बाय फिर मुलाकात होती है जैसे मिस्टर बच्चन कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं बच्चन साहब बट गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू बाय सी यू